बाबा रामदेव जी जिनके अवतार हैं वो किनके अवतार माने जाते हैं? श्री कृष्ण के अवतार। श्री कृष्ण भगवान ने कहा था ना, भादुड़ारी बीज रोज चंदो करे प्रकाश, तो राम देव बन आवसू तू राखी जे विश्वास। और मित्रों, भगवान श्री रामदेव जी बाबा भगवान श्री कृष्ण के अवतार हैं। इन्होंने विद्या का अध्ययन जिस गुरु से किया, कहते ना गुरु बिना घोर अंधेरा, गुरु से तो भगवान को भी शिक्षा लेनी पड़ती है। भगवान श्री कृष्ण भी जब मनुष्य के रूप में इस धरती पर पैदा हुए तो संदीपिनी के आश्रम में उन्होंने शिक्षा प्राप्त की, उज्जैन में। तो इन्होंने भी अपना गुरु नियुक्त किया, और इनके जो गुरु थे उन गुरु का नाम था बालीनाथ जी, यानी कि कह सकते हैं बाबा रामदेव जी नाथ संप्रदाय में दीक्षित थे, क्योंकि इनके गुरु कौन है? बालीनाथ। तो बालीनाथ निश्चित रूप से कौन से संप्रदाय के थे? नाथ संप्रदाय के। तो रामदेव जी के गुरु थे, गुरु का नाम था बालीनाथ जी, और बालीनाथ जी से इन्होंने जिस जगह पर शिक्षा पाई उस जगह का नाम सातलमेर। कौन सी जगह है? सातलमेर। और सातलमेर कहां पर पड़ता है साहब? जैसलमेर में। याद रखना, प्राचीन काल में जो सातलमेर था, इसी सातलमेर को आजकल क्या कहते हैं? पोकरण। पोकरण जिला जैसलमेर, क्योंकि पोकरण का ही प्राचीन नाम सातलमेर है। जब ये बालीनाथ जी से यहां शिक्षा प्राप्त कर रहे, तो इस पोकरण में यानी कि सातलमेर में खतरनाक एक आदमी रहता था जिसका नाम था भैरव। क्या नाम था? लेकिन मनुष्य होकर भी उसकी पाशविक प्रवृत्ति थी, पशुओं जैसा आचरण करता था, इसलिए लोग उसे क्या कहते थे? राक्षस। जैसा हम टीवी के सीरियलों में देखते हैं, लंबे लंबे सींग होते हैं, लंबे लंबे नाखून होते हैं, और बुढ़ा विशाल 20-25 फुट का होता है, ऐसा राक्षस नहीं होता। अपने में से ही जिसका बुरा आचरण है वो राक्षस है, जिसका आध्यात्म की ओर आचरण मुड़ा हुआ है वो संत है, और जिसका ईश्वरीय तत्व जिसमें मौजूद है ऐसा लगे अपने को तो भगवान है। आपने देखा होगा कि कोई आदमी मान लीजिए अपनी पत्नी को पीट रहा है, तो क्या कहते हैं? साला ये इंसान है, ये तो राक्षस है, राक्षस शर्म नहीं आती इसको। कई आदमी के बारे में कोई गलत कह रहा है, वो आदमी ऐसा तो कहेंगे है किसके लिए नाम लगा रहा, वो तो बेचारा संत आदमी है। तो अपने में ही संत है, अपने में ही देवता है, अपने में ही राक्षस है। ये भैरव दुष्ट प्रवृत्ति का था, लोगों को परेशान किया करता था, सताया करता था। तो रामदेव जी को इस बात की सूचना मिली और सूचना दी बालीनाथ जी ने, तो बाबा रामदेव जी ने इसको समझाया, पागल ऐसी बात ठीक नहीं है, तू सुधर जा। और ये फिर भी नहीं सुधरा, तो अंत में इसको ढंग से सुधार दिया, यानी भैरव राक्षस का वध किया। बताइए बाबा रामदेव जी ने किस राक्षस को मारा? भैरव राक्षस को मारा। भैरव राक्षस को इन्होंने कहां पर मारा? पोकरण कह दो चाहे सातलमेर कह दो। ये पोकरण या सातलमेर कहां पर पड़ता है? जैसलमेर में। इनके गुरु कौन थे बाबा रामदेव जी तंवर के? बालीनाथ जी। रामदेव जी को किसका अवतार माना जाता है? कृष्ण का अवतार। और याद रखना, जिस जगह पर इस राक्षस का वध किया था वहां पर चमत्कार को पर्चा कहते हैं, कल भी बात आई थी, ये पर्चा दिया जनता को, इसलिए यहां पर एक जगह बनी हुई जिसका नाम है पर्चा बावड़ी। जिस जगह पर भैरव राक्षस को मारा था वहां पर एक बावड़ी बनी हुई है, जिस बावड़ी को किस नाम से जाना जाता है? पर्चा बावड़ी के नाम से जाना जाता है। बाबा रामदेव जी ने बालीनाथ जी से शिक्षा दीक्षा ली, और उसके बाद में रामदेव जी ने देखा कि यार इस समाज में कितना भेदभाव है, कोई जाति के नाम पर लड़ रहा है, कोई धर्म के नाम पर लड़ रहा है, कोई ऊंच नीच के नाम पर लड़ रहा है, ये तो बहुत गलत है, इंसान होकर इंसान से भेदभाव। इसी भेदभाव को दूर करने के लिए रामदेव जी ने मित्रों अपने गांव उंडू काश्मीर का त्याग कर दिया, और जब उनका समावर्तन हुआ गुरु से आज्ञा लेकर इन्होंने कर्मस्थली के रूप में गांव को चुना, और कर्मस्थली जो गांव है वो गांव है रूणेचा। बताइए रामदेव जी की कर्मस्थली रूणेचा, जबकि जन्मस्थली कहां बतानी है? उंडू काश्मीर तहसील शिव जिला बाड़मेर, वहां जन्म हुआ था, और कर्मस्थली के रूप में इन्होंने जिस जगह को चुना वो कौन सा है? रूणेचा। इसीलिए कहते हैं रूणेचारा धनिया, जहां जन्म होगा वो जन्मस्थली, जहां आदमी कर्म करेगा वो कर्मस्थली। अब ध्यान देना, इस कर्मस्थली रूणेचा में इन्होंने क्या क्या किया? जातिवाद को खत्म करने के लिए राजपूत परिवार में जन्म कर सबसे पहले एक दलित कन्या को धर्म बहन बनाया, जिसका नाम था डालीबाई मेघवाल।
क्या नाम? डालीबाई मेघवाल को इन्होंने अपनी धर्म बहिन बनाया। बताइए रामदेव जी की धर्म बहिन कौन थी? डालीबाई। कौन थी? डालीबाई। जबकि सगी बहनें थी उनका नाम था लाछा और सुगणा। लाछा और सुगणा सगी बहनें थी और डालीबाई जिसका जन्म मेघवाल जाति में हुआ था वो इनकी धर्म बहन थी। इस गांव में पानी की भयंकर समस्या, तो रामदेव जी ने इस गांव में एक तालाब का निर्माण करवाया जिसका नाम क्या है? राम सरोवर। कौन सा तालाब? राम सरोवर का निर्माण करवाया। बताइए रामदेव जी ने किस तालाब का निर्माण करवाया? राम सरोवर तालाब का। ये राम सरोवर तालाब कहां पर है? रूणीचा में। इनकी धर्म बहन का नाम डालीबाई। लोगों में जागृति लाने के लिए यहीं पर रामदेव जी ने एक आंदोलन चलाया जिसका नाम है जम्मा जागरण। जम्मा जागरण याद रखना, आज भी मारवाड़ क्षेत्र में जो रात्रि को जागरण होता है, रात्रि जागरण को क्या कहा जाता है? जम्मा कहा जाता है। आज हमारे रामदेव जी रो जम्मू लागी सगड़ा का सगड़ा आज सा है कि नहीं। आज मेरे तेजू जी रो जम्मू वही, आज मेरे जाम्बे जी रो जम्बो वही। जम्मा का मतलब ये है रात्रि जागरण। क्योंकि मित्रों पुराने जमाने में ये रेगिस्तानी इलाका पोखरण का, या तो पशुपालन या खेती दो ही काम था। दिन भर ये पशुपालन और खेती में लगे रहते और थके हारे जब आते तो रात को बैठ करके रामदेव जी ने 24 भजन लिखे थे जिनको 24 वाणियां कहते। कवि भी थे रामदेव जी, 24 भजन लिखे और वही भजन तंदूरा लेकर रामदेव जी और डालीबाई दोनों भाई बहन लोगों को सुनाया करते थे, जिनमें लोगों को ज्ञान दिया जाता था। भेदभाव मत करो, छुआछूत मत करो, इंसान इंसान सब एक है, कोई जाति के आधार पर ऊंचा या नीचा नहीं होता, किसी की जाति अच्छी नहीं है तो किसी की जाति बुरी नहीं है, सब के सब एक जैसे हैं, गए गुजरे हैं तो सब हैं, भले हैं तो सब हैं। इस प्रकार की चेतना लोगों में जगाई जाती थी, ये क्या कहलाता? जम्मा जागरण। याद रखना हिंदू धर्म में पहले कभी भी रात्रि को जागरण नहीं होते थे। ये हिंदू धर्म में रात्रि जागरण पूरे हिंदू धर्म में, चाहे वो नेपाल में हो, भारत में हो, मॉरीशस में हो, इसकी शुरुआत बाबा रामदेव जी की देन है। याद रखना हिंदू धर्म में तो कठिन साधना वाले होते थे, एक एक टांग पर खड़े होकर 12-12 वर्ष तक ओम ब्रह्मदेवाय नमः करते रहते थे, तब जाकर के उनकी साधना सिद्ध होती थी। ये रात्रि भजन गाने की परंपरा इस्लाम धर्म की देन है। जब ख्वाजा मुइनुद्दीन हसन चिश्ती 1192 में यहां पर हमारे भारत में आए और यहीं पर आकर उन्होंने कव्वाली परंपरा का प्रणयन किया, रात्रि को कव्वालियां गाया करते थे और उनको सुनकर के लोग हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, सांप्रदायिक सद्भाव की मिसाल थे बाबा ख्वाजा गरीब नवाज भी, और मस्त हो जाया करते थे, दमादम मस्त कलंदर। और जब वो कव्वालियां सुनकर के बड़ा आनंद आता था, धीरे धीरे लोग उनके विचारों से प्रभावित हुए और जो हिंदू थे वे मुसलमानों में बदलने लगे। तो याद रखना इस प्रकार इस्लाम में तो कव्वालियों का प्रचलन था धीरे धीरे खूब। इसी से प्रभावित होकर बाबा रामदेव जी ने देखा कि हिंदुओं में भी रात्रि को जागरण की परंपरा होनी चाहिए कि दिन भर थके हारे आए और जब उन्हें सात्विक कुछ ज्ञान दिया जाए। तो संपूर्ण हिंदू धर्म में रात्रि जागरण की शुरुआत करने वाले कौन थे? बाबा रामदेव जी। तमर उसी रात्रि जागरण को क्या कहा जाता है? जम्मा जागरण अभियान। बताइए जम्मा जागरण अभियान किसने चलाया? जम्मा जागरण अभियान बाबा रामदेव जी ने चलाया। और मित्रों जब लोग इनसे प्रभावित होने लगा, बोले यार बाबा आप तो ज्ञान की बात बताते हो, हम किसको गुरु बनाएं, आप ही हमारे गुरु बन जाओ, धीरे धीरे लोग इनके चेले बढ़ने लगे। इनके चेलों की एक बड़ी भारी टीम हो गई। एक संत द्वारा बनाई गई अपने विचारों के अनुसार चलने वाली टीम को संप्रदाय या पंथ कहा जाता है। चाहे वो ब्राह्मण हो, चाहे वह भील हो, चाहे वह मुसलमान हो, जो भी रामदेव जी का अनुचर बन जाता था, रामदेव जी का अनुयायी यानी कि रामदेव जी का फॉलोवर्स बन जाता था, उन सबको क्या कहा जाता था? कामड़। क्या कहा जाता है? कामड़। कामड़ का मूल शब्द है काम करने वाला। कुछ भी काम करो, काम की कोई शर्म नहीं है, बस कमाई खाओ तो 20 नुआ की खाओ, यानी कि मेहनत करे तो 200 नाखून मिट्टी में दबने चाहिए। 200 नाखूनों से अपन मेहनत करेंगे तो पूरे शरीर पर पसीना आएगा। और उस काम को चाहे कैसा भी काम हो, कैसा भी काम हो, काम में शर्म ना करके, काम ऊंचा नहीं है नीचा नहीं है, और काम करेगा और ईश्वर का स्मरण करेगा वो क्या कहलाएगा? कामड़। और मित्रों कामड़ भी कहते हैं, कामड़िया भी कहते हैं, लेकिन आज जो जाति उसको कामड़ी ही कहा जाता है। तो कामड़िया भी आ जाए तो वही बात है, कामड़ आए तो भी वही बात है। रामदेव जी ने
कामड़ पंथ की शुरुआत की या कामड़ पंथ की स्थापना की? बताइए, कामड़ पंथ की स्थापना किसने की या कामड़िया पंथ की स्थापना किसने की? तो रूणीचा का धनी बाबा रामदेव जी ने। ध्यान दीजिएगा, कर्मस्थली रूणीचा, जन्मस्थली उंडू काश्मीर, डालीबाई मेघवाल धर्मबहन, राम सरोवर तालाब का निर्माण करवाया, रामदेव जी ने जम्मा जागरण अभियान चलाया, रामदेव जी ने कामड़ पंथ की स्थापना की, और इसी रूणीचा में बैठकर रामदेव जी ने 24 वाणियां लिखी। रामदेव जी कवि भी थे। रामदेव जी ने कौन सा ग्रंथ लिखा? 24 वाणियां। बताइए, रामदेव जी की वाणियों की संख्या कितनी है? रामदेव जी की वाणियों की संख्या 24 है, 24 है। 24 वाणियों के लेखक कौन? रामदेव जी। अगर मित्रों पूछ ली जाए रामदेव जी की 24 वाणियां किस बोली में हैं, तो मारवाड़ी बोली में। ऐसे भी पूछा जा सकता है, बाबा रामदेव के उपदेश किस बोली में है? बाबा रामदेव जी के उपदेश मारवाड़ी बोली में है। रामदेव जी ने कितनी वाणियां लिखी? 24 वाणियां। 24 वाणियां किसमें? मारवाड़ी में। डालीबाई धर्मबेन सगी में लाचा सुगना राम सरोवर तालाब बनाया। इस प्रकार धीरे धीरे इनके चमत्कारों की, इनके कामों की चर्चा फैलने लगी। पानी की समस्या बहुत बड़ी थी, राम सरोवर बना करके नष्ट कर दिया। इस प्रकार रामदेव जी कभी वापस अपने पिता के साम्राज्य में, पिता कहां के राजा थे? बाड़मेर में उंडू काश्मीर, वहां नहीं गए और यहीं पर दलितों की सेवा करते रहे। ये जो रूणीचा गांव है, विशेष रूप से मेघवाल जाति के लोगों का गांव था। यहां पर जब इनके साथ भेदभाव, अन्याय, अत्याचार हुआ, उसी अन्याय अत्याचार को दूर करने के लिए उन्हें किस गांव में अपनी कर्मस्थली बनाई? रूणीचा। और मित्रों एक दिन रूणीचा छोड़कर घूमते 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 ये पहुंच गए अमरकोट। दोनों भाई बहन डाली भाई और रामदेव जी तंदूरा बजाते। आज भी रामदेव जी के जब ब्याव लगाते हैं या जम्मा जागरण करते हैं तो तंदूरा वाद्य यंत्र बजाया जाता है। कौन सा? तंदूरा, जिसे तंबूरा भी कहते हैं, चौतारा भी कहते हैं, वेणो भी कहते हैं। जम्मा जागरण करते करते पहुंच गए अमरकोट। अमरकोट कहां पर पड़ता है? सिंध में। और सिंध उस गंदे देश में है जिसका पूरा नाम नहीं लिखते, इतना ही काफी है, पाकिस्तान में है, ठीक है। यहां पर पहुंचे अमरकोट के एक राजा, राजा का नाम था दलजी सोडा। क्या नाम था? दलजी सोडा। और दलजी सोडा की एक पुत्री, पुत्री का नाम नेतल दे, रानी नेतलरा भरतार, नेतल दे। नेतल दे जन्मी तब तो बहुत सुंदरी थी, लेकिन दुर्भाग्य से इसके पूरे शरीर पर कोड निकल गया, दोनों पांवों से विकलांग, पूरे शरीर पर कोड, और कोड के फोड़े पूंजे पूरे शरीर से मवाद और रक्त टपकता रहता था, पूरा शरीर षडांग मारता था, बदबू आती रहती थी। कन्या जवान हो गई लेकिन रिश्ता कोई नहीं करे, कहीं भी रिश्ता नहीं करे। कौन करे साहब ऐसे जिसके दोनों पांवों से विकलांग, पूरे शरीर पर कोड निकला हुआ। पिता बहुत दुखी हो चुका था, जवान कन्या घर में बैठी, कोई रिश्ता नहीं हो रहा। लेकिन जैसे ही पता चला दलजी सोडा को, आज रामदेव जी अमरकोट में जम्मा देने आए हैं, और जाकर के पांव पकड़ लिया, बाबा मेरी पुत्री का भी उद्धार करो, मेरा जमारा सुधारो, मेरी जिंदगी बर्बाद है। रामदेव जी गए, नेतल दे को देखा, पूरा शरीर दुर्गंध, जगह जगह घाव कोट झर रही। रामदेव जी को दया आई और रामदेव जी ने उसके सिर पर हाथ रखा तो राजकुमारी नेतल दे इतनी सुंदर हो गई जैसे तो दीपिका पादुकोण एकदम टनाटन। अरे मित्रों, जो बहुत बुरा जिसका शरीर था, कोड से बेहाल था, वो इतनी सुंदर हो गई, फिल्मी हीरोइन भी मात कर जाए। दलजिन देखा, रे बाबा इसकी कोड तो दूर कर दी, इसको पूरा सुंदर बना दिया, इसके टांगों से विकलांग है बाबा, इस पर भी कृपा की, इस पर भी कृपा कर। तो बाबा रामदेव जी ने उसकी टांगों पर भी हाथ घुमाया, वो एकदम ठीक हो गई। जो चल नहीं सकती थी उछलने लगी, नाचने लगी, कूदने लगी और करने लगी, बाबा राम सा पीर री जय, राम सा पीर री जय, बाबो कीरो आपारो, आपा कीरा बावेरा, बाबो कीरो आपारो। दलजी ने देखा, यार कितने रिश्ते के लिए इन लड़कों को ढूंढा भाई, कोई मिले तो, और कोई भी लड़का हाँ नहीं बोले, इसका तो कोड़ी है, ये लड़का ठीक है, कुंवारा तो है, देवता का देवता, बाबा का बाबा, ये जवान। और साहब रामदेव जी कहा, आप इनसे शादी करो। तो ये थी बाबा रामदेव जी की पत्नी। बोलिए, रामदेव जी की पत्नी का नाम क्या था? नेतल दे। और पिछले साल ही एक परीक्षा में आया था, रानी नेतलरा भरतार किसे कहा जाता है? बाबा रामदेव जी को। भरतार का मतलब होता है पति। रानी नेतलरा भरतार, भाई सुगणा देरा वीर, माता मैणा देरा लाल,
रूणी चारा धनिया किसे कहा जाता है? रामदेव जी को। और मित्रों इस नेतल देव को रामदेव जी के फिर एक पुत्र भी हुआ और पुत्र का नाम था सादा। रामदेव जी के बेटे का नाम क्या था? सादा। पत्नी का नाम नेतलदे। रामदेव जी का ससुराल कहां था? अमरकोट। कर्मस्थली रूणीचा। ये बातें नंबर वाइज आप जान रहे होंगे। अब मित्रों सादा पुत्र हो गया, इनके कामकाज को संभालने वाला हो गया, ये हंस कौन कौन रहे हैं? देवता तो मैं भी हाँ, मुकेश कुमार मुकड़िया रे, वाह तू तो बोम्याजी है बेटा, है ना, खेतरपाल है वो चोरायाड़ो। 3 वर्ष पहले अभिज्ञान में पढ़े थे, बहुत अच्छा। सोनल दीपिका पादुकोण है, नेतल दे कुंवारी कन्या की जय हो, रामसा पीर की जय हो, नेतला बरतार थारी जय हो। फतेह सिंह कह रहे हैं रामदेव की जय हो, आगे रे काम सेट करो। नालायक सर कोरोना की फड़, कल्याण सिंह जी क्या है ये कोरोना की फड़, अभिषेक जोशी ने बनाई है। हाँ पढ़े थे नेतलरा बरतार, हंस रहे हैं सारे के सारे। ठीक है मित्रों आइए आगे चलते हैं। पत्नी का नाम नेतल दे, पुत्र का नाम सादा, ससुराल अमरकोट, कर्मस्थली रूणीचा। जब सादा पुत्र हो गया, रामदेव जी ने देखा अपना इस धरती पर आने का जो उद्देश्य था वो तो पूरा का पूरा सिद्ध हुआ। और मित्रों इसी रूणीचा में जो रामदेव जी ने बनाया था, क्या नाम था? राम सरोवर। कौन सा? राम सरोवर तालाब। कौन सा तालाब? राम सरोवर तालाब। इसी तालाब के किनारे, कौन से तालाब के किनारे? राम सरोवर तालाब के किनारे जन्म हुआ था भाद्र में, और समाधि भी ली थी भाद्र में। जन्म हुआ था शुक्ल पक्ष की द्वितीया को, और समाधि थी शुक्ला एकादशी को। जिन्हें बोलिया करें ना आपने 11, भाद्र शुक्ला एकादशी, सन कौन सा था? 1458। 1405 में जन्म हुआ, 1458 में इन्होंने जीवित समाधि ली। क्या ली जी? जीवित समाधि ली। जीवित समाधि लेना जानते हो? गड्ढा खोद करके बैठ जाते हैं और अपने चेले चपाटियों को कहते हैं मिट्टी डालो, और जीवित व्यक्ति अपनी इच्छा से गड्ढे में, पानी में जल समाधि भी ली जा सकती है, भूमि समाधि भी ली जा सकती है, कंवल पूजा भी की जाती है, काशी में करवत भी ली जाती है, समाधि के कई प्रकार हैं। इन्होंने भूमि समाधि ली। तो देखिए कौन से तालाब के किनारे ली? राम सरोवर। राम सरोवर कहां पर है? रूणीचा में। तो स्वाभाविक है रामदेव जी ने जीवित समाधि कहां ली? रूणीचा में। भाद्र शुक्ला एकादशी 1458 के दिन उन्होंने जीवित समाधि ली थी, 1405 में इनका जन्म हुआ था। और मित्रों इस प्रकार जिस जगह इन्होंने समाधि ली थी उसी समाधि पर बीकानेर के राजा गंगा सिंह ने इनका विशाल मंदिर का निर्माण करवा दिया, और वही समाधि स्थल आज रामदेव जी का मंदिर है। ये चीजें शायद आपने नोट कर ली होंगी। ठीक है मित्रों, तो भाद्र शुक्ला द्वितीय को इनका जन्म हुआ था और भाद्र शुक्ला एकादशी को इनकी मृत्यु, यानी समाधि ली। तो आज भी रामदेव जी का जो मेला लगता है यहां पर वो द्वितीय से चालू होता है, भाद्र शुक्ला द्वितीय से चालू होगा एकादशी तक, जन्म की तिथि से लेकर मृत्यु की तिथि तक चलता है। इस मेले में गजब की चीज होती है, वो होता है तेरह ताली नृत्य। कौन सा नृत्य? तेरह ताली नृत्य। तेरह ताली नृत्य किस जाति की महिलाएं करती हैं? कामड़ जाति की महिलाएं, जो रामदेव जी ने पंथ चलाया था ना कामड़, उस जाति की महिलाएं। मित्रों ये एकमात्र नृत्य है जिसको बैठे बैठे किया जाता है। ये तेरह ताली नृत्य का उद्गम जिस गांव से हुआ उस गांव का नाम है पादरला। पादरला कहां है? पाली जिले में है। और इस तेरह ताली की सबसे प्रसिद्ध नृत्यांगना हुई है वो कौन है? मांगी बाई। ये बात अपन तब पढ़ लेंगे जब नृत्य पढ़ते हैं, मेले उस समय पढ़ेंगे जब मेले पढ़ते हैं। और इस मेले को मारवाड़ का कुंभ कहते हैं, सांप्रदायिक सौहार्द का मेला, सांप्रदायिक सद्भाव का मेला कहते हैं। और यही राजस्थान का सबसे बड़ा मेला है जिसके आकर्षण का केंद्र है तेरह ताली नृत्य। एकमात्र नृत्य जो बैठे बैठे किया जाता है, घुटनों के बल बैठ जाती महिला, 9 मंजीरे एक पांव पर, 4, 1, 2, 3, 4, 9, 4, 13, और फिर टंग 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 आपस में बैठाते हुए, कभी सूप से अनाज बरसाने की, कभी चक्की पीसने का, घट्टी पीसने का, घरेलू काम काज की इसमें अभिनय किया जाता है। चलिए मैं एक बार मिटा लेता हूं।
तो राम सरोवर तालाब के किनारे इन्होंने समाधि ली थी। गांव कौन सा था? रूणीचा। और इसी रूणीचा में बन गया बाबा रामदेव जी का मंदिर। सूरज सामू बणियो थारो देव रो, ये रामदेव जी का मंदिर। मित्रों, इस मंदिर के निर्माता कौन? बीकानेर के राजा, जिनका नाम क्या था? गंगा सिंह। याद रखना, देशनोक का करणी माता मंदिर, गोगा मेडी का गोगा जी मंदिर और रूणीचा का रामदेव जी मंदिर, तीनों के निर्माता कौन है? गंगा सिंह। जब विश्व युद्ध में फंस गए थे तब इन्होंने इस बात की शपथ खाई थी कि मैं इन मंदिरों का निर्माण करवाऊंगा, और यहां आते सबसे पहले इन मंदिरों का निर्माण करवाया। सोरो, इस मंदिर को देवरा कहते हैं। बोलिए, रामदेव जी के मंदिर को क्या कहते हैं? देवरा। किस देवता के मंदिर को देवरा कहते हैं? रामदेव जी के मंदिर को। इसीलिए राम जी का देवरा, रामदेव जी का देवरा बना है, इसलिए रामदेव जी के इस मंदिर का नाम क्या हो गया? रामदेवरा। रूणीचा कम कहते हैं लोग इसको, रामदेवरा ज्यादा कहते हैं, क्योंकि बाबा राम का देवरा है यहां पर, तो क्या रूणीचा की जगह क्या हो गया? रामदेवरा। मित्रों, इस मंदिर पर जो झंडा लगता है ना, झंडा, देवी देवताओं के झंडे भाले में लगते हैं, भाले को क्या कहा जाता है? नेजा। क्या कहते हैं? नेजा। और ये नेजा कैसा होता है? पचरंगा। पचरंगा नहीं तो बाबा के दौड़ी दौड़ी दजा भी लहराती है। पचरंगा भी झंडा हो सकता है रामदेव जी का, और सफेद भी हो सकता है, लेकिन सही जो उत्तर है वो कौन सा है? पचरंगा है। कौन सा है? पचरंगा। पचरंगा नहीं आई विकल्प में तो सफेद, क्योंकि रामदेव बाबा के दोनों प्रकार की ध्वजा चढ़ाई जाती है, पचरंगी भी चढ़ाई जाती है और सफेद भी चढ़ाई जाती है। दोबारा देखते हैं, रामदेव जी कर्मस्थली रूणीचा, रूणीचा में राम सरोवर तालाब के किनारे इनकी समाधि, समाधि पर बीकानेर के राजा गंगा सिंह ने बनवा दिया मंदिर, मंदिर को कहा जाता है देवरा। इसीलिए रूणीचा में जो रामदेव जी का मंदिर है, उस मंदिर का नाम क्या है? रामदेवरा। और मित्रों, इनके मंदिर पर जो नेजा लगता है, नेजा का मतलब ध्वजा, ध्वजा को क्या कहते हैं? नेजा कहते हैं। और वो नेजा या कैसा है? पचरंगा या सफेद। देखिए मित्रों, रामदेव जी के बारे में अन्य महत्वपूर्ण जानकारियां और प्राप्त करते हैं। बाबा रामदेव जी, टैटैन, ध्यान दीजिएगा, रामदेव जी का प्रतीक चिन्ह, हर देवता का ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, परीक्षा में पूछते भी हैं प्रतीक चिन्ह। तो प्रतीक चिन्ह क्या बनाया जाएगा? पगलिया, पांव के निशान है कि नहीं? रामदेव जी का जन्म हुआ तब भी कुमकुम के पगलिया छप गए थे चौक में। पगलिया का मतलब है चरण चिन्ह। क्या है? चरण चिन्ह। चरण चिन्ह या पगलिया किसका प्रतीक चिन्ह? बाबा रामदेव जी का प्रतीक चिन्ह। पुराने स्टाइल का जो सिटिंग वाला टॉयलेट होता है, उसमें तो पहले ऐसे पगलिया से ही आते थे लोग, श्रद्धा के वशीभूत उसमें जाते नहीं थे, बोले हट शर्माने से, इसमें तो पगलिया छपे हुए हैं। तो प्रतीक चिन्ह रामदेव जी का पगलिया है। पगलिया का हिंदी में अर्थ तो होता है चरण चिन्ह। मित्रों, रामदेव जी का वाहन है नीला घोड़ा। रामदेव जी का वाहन क्या है? नीला घोड़ा। नीलो घोड़ो नवलरो और मोत्या जड़ी लगाम। अब देखना, रामदेव जी के जो गीत हैं, रामदेव जी के गीत को कहा जाता है ब्यावला। रामदेव जी के गीतों को क्या कहते हैं? ब्यावला। और बेटा, रामदेव जी की जो गीत है जिनको ब्यावला गाते हैं, इनको दो जातियों के लोग गाते हैं। कौन कौन? मेघवाल व कामड़ जाति के लोग। मेघवाल व कामड़ जाति के लोग वाद्य यंत्र कौन सा बजाएंगे? तंदूरा, तंबूरा, चौतारा, वेणो, एक को ही कहते हैं, तंदूरा के साथ गाते हैं। और तंदूरा का विश्व प्रसिद्ध वादक कौन है? प्रहलाद सिंह टिप्पाणिया। वाद्य यंत्र पढ़ेंगे तब पढ़ेंगे। पता है किस लोक देवता के गीतों को ब्यावला कहते हैं? रामदेव जी के। मित्रों, सबसे इंपॉर्टेंट बात लिखना ना, राजस्थान के सभी लोक देवताओं में सबसे लंबा गीत, सबसे लंबा गीत रामदेव जी का है, और देवियों में सबसे लंबा गीत जीण माता का है। नोट कर लेना, राजस्थान के सभी लोक देवताओं में सबसे लंबा गीत रामदेव जी का है, तो राजस्थान की सभी लोक देवियों में सबसे लंबा गीत जीण माता का है। देवताओं में रामदेव जी, देवियों में जीण माता, दोनों की तुलना करें
तो रामदेव जी के गीत से भी लंबा जीवन माता का गीत है। अगर यह प्रश्न ऐसे आ जाए, पहले भी आ चुका थर्ड ग्रेड में, कि राजस्थान के देवी देवताओं में सबसे लंबा गीत किसका है, तब उत्तर होगा जीर्ण माता। अकेला देवता पूछे तो रामदेव जी, अकेली देवी पूछे तो जीर्ण माता का गीत लंबा बताना, और देवी देवता दोनों एक प्रश्न में आए फिर पूछे लंबा गीत किसका, तो उत्तर होगा जीर्ण माता का। बताइए रामदेव जी के गीतों को क्या कहते हैं? ब्यावला। ब्यावला किस जाति के लोग गाते हैं? मेघवाल और कामड़ जाति के लोग। सब मेघवाल और कामड़ रामदेव जी की ब्यावला गाते हैं, तो वाद्य यंत्र कौन सा बजाते हैं? तंदूरा। जबकि मित्रों रामदेव जी की फड़ बांसते हैं वो जिस जाति के हैं, वो कौन सी जाति है? कामड़। और कामड़ जाति के लोग जब रामदेव जी की फड़ बांसते हैं तो जो वाद्य यंत्र बजाते हैं, जिस वाद्य यंत्र का प्रयोग वो है रावण हत्ता। कौन सा वाद्य यंत्र? रावण हत्ता। देखा होगा नारियल से बांस को जोड़ दे तो साज हो जाए। नारियल से बांस को जोड़ दें, रावण हत्ता की परिभाषा, नारियल से बांस को जोड़ दें तो साज हो जाए, मूछों संग साफे में साही अंदाज हो जाए, और क्या प्रशंसा करूं मेरे राजस्थान की, पड़े जो पत्थर मेरे मकराना का तो मकबरा भी ताज हो जाए, तो मकबरा भी ताज हो जाए। वो रावण हत्ता रामदेव जी के गीतों भजनों ब्यावलाओं के साथ तंदूरा, और रामदेव जी की फड़ के साथ रावण हत्ता। फड़ कामड़ जाति के लोग, जबकि भजन कामड़ भी गाते हैं और मेघवाल जाति के लोग भी गाते हैं, जगह कर लेते हैं, फिर और चीज भी लिखते हैं। प्रतीक चिन्ह क्या? पगलिया। पगलिया को हिंदी में क्या कहते हैं? चरण चिन्ह। ध्वजा या नेजा, पचरंगा, वाहन, नीला घोड़ा। अब ध्यान देते हैं रामदेव जी के मंदिर का पुजारी। पुजारी होता है, देखो जो रूणीचा का मंदिर है उसके परंपरागत पुजारी मेघवाल होते आए थे, लेकिन वर्तमान में तंवर राजपूत पूजा करते हैं। वर्तमान में रूणीचा के मंदिर के जो पुजारी है वो तंवर गोत्र के राजपूत हैं, लेकिन गांवों में कहीं भी हो, मेरे गांव में भी बाबा रामदेव का मंदिर है, कहीं भी गांव में मंदिर हो, रामदेव जी का परंपरागत रूप से पुजारी जिस जाति का मिलेगा वो किस जाति का होता है? मेघवाल। कौन सी जाति का? मेघवाल जाति का। बोलिए रामदेव जी के पुजारी किस जाति के? मेघवाल। और जो मेघवाल पुजारी होता है उसे क्या कहा जाता है? रीखिया। बोलिए रामदेव जी के पुजारी को क्या कहते हैं? रीखिया कहते हैं। रीखिया किसका पुजारी होता है? रीखिया रामदेव जी का पुजारी होता है। रामदेव जी का रीखिया मेघा वाला कर दिया गया। रामदेव जी का रीखिया जिस जाति का होता है वह जाति है मेघवाल। तो बताइए राजस्थान के किस लोक देवता के पुजारी को रीखिया कहा जाता है? रामदेव जी के पुजारी को। एक इंपॉर्टेंट बात, और रामदेव जी के जो भी भगत जाते हैं साथ में क्या लेके जाते हैं? कपड़े के घोड़े चढ़ाते हैं। बोलिए कपड़े के घोड़े किस लोक देवता को चढ़ाते हैं? रामदेव जी को। रामदेव जी को चढ़ाए जाने वाले किसके बने होते हैं? कपड़े के बने होते हैं। कपड़े के घोड़े किस देवता को? वो है ना दर्जीड़ा ने परचो दिनो बाबा कपड़ा को घोड़ उड़ायो बाबा। बचपन से बाबा रामदेव जी कपड़े के घोड़े बड़ा प्रसिद्ध है। वो भजन में चलता ना, घोड़लियो दिलवाई मारी मामा ने घोड़लियो दिलवा, घोड़लियो गढ़वाई मारी मामा ने घोड़लियो गढ़वा, है कि नहीं मित्रों? और अब बात करते हैं बाबा रामदेव जी के मंदिरों की। रामदेव जी का जो मुख्य मंदिर है उस मुख्य मंदिर का नाम है रामदेवरा। रामदेव जी के मुख्य मंदिर का नाम क्या है? रामदेवरा। रामदेवरा जिस जगह बना हुआ उस गांव का नाम रोणीचा, और रोणीचा जैसलमेर जिले में है। कहां पर है? जैसलमेर जिले की पोकरण तहसील में। ध्यान दीजिएगा रामदेव जी का दूसरा मंदिर है जिसको कहा जाता है दूसरा रामदेवरा। क्या कहा जाता है? दूसरा रामदेवरा। दूसरा रामदेवरा। और दूसरा रामदेवरा जिस गांव में, उस गांव का नाम है खुंड्याश। कौन सा गांव है? खुंड्याश, खुंडियावास। और ये खुंडियावास बड़ा विवादित गांव है। ये गांव आधा आधा, आधा अजमेर में पड़ता है, आधा नागौर में पड़ता है। लेकिन याद रखना अपने को इसका उत्तर क्या देना है? नागौर। खुंडियास की नदी में आधा मंदिर, मंदिर आधा आगे का हिस्सा है वो नागौर में पड़ता है, पिछला हिस्सा इसका अजमेर में पड़ता है। फिर भी अपने को उत्तर देना, राजस्थान में दूसरा रामदेवरा कहां है? खुंडियावास। खुंडियावास कहां है? नागौर में।
एक है साहब जिसको कहते हैं छोटा रामदेवरा, क्योंकि रामदेव जी के मंदिर को क्या कहते हैं, रामदेवरा ही कहते हैं, छोटा रामदेवरा। चलो छोटा रामदेवरा जिस जगह उस जगह का नाम है जूनागढ़। जूनागढ़ कहाँ है? गुजरात में। बीकानेर वाला मत कर देना। अब बताइए शेखावाटी में प्रसिद्ध रामदेवरा कहाँ है? शेखावाटी का रामदेवरा, शेखावाटी में प्रसिद्ध रामदेवरा जिस जगह पर है उस जगह का नाम है नवलगढ़। कौन सी जगह? नवलगढ़, और नवलगढ़ का जिला झुंझुनू। देखिएगा राजस्थान के में प्रमुख जो रामदेव जी के मंदिर है रामदेवरा रूणीचा जैसलमेर में, यहीं पर वो रामदेव जी का मेला लगता है, यही मुख्य मंदिर है जो भाद्र शुक्ला द्वितीया से लेकर भाद्र शुक्ला एकादशी तक चलता है, जिसे मारवाड़ का कुंभ कहते हैं, राजस्थान का सबसे बड़ा मेला है। दूसरा रामदेवरा खुंडियावास में, खुंडियावास कहां है जी? नागौर में है। ये तो देखा होगा किसी ना किसी मंदिर के तो आपने दर्शन किए ही होंगे। एक छोटा रामदेवरा, छोटा रामदेवरा कहां है जी? जूनागढ़ में। जूनागढ़ कहां पर है? गुजरात में। एक शेखावाटी का रामदेवरा, शेखावाटी का रामदेवरा कहां पर है? नवलगढ़। इसमें हंस क्या रहे हो? होता था पहले जबरदस्ती नसबंदी होती थी, वो बिहार में तो एक आदमी नसबंदी खुद की करवा के आएगा, उसको एनएसवी बोलते हैं, एनएसवी करा दी, उसके एनएसवी कराने के 2 साल बाद उस बिहारी के बेटा हो गया, और जाकर ड्राइवर से उसे डॉक्टर से झगड़ने लगा, बोला तेरी ऐसी तेजी रे को तरीका है यार, मैंने नसबंदी करा ली 2 साल बाद में मेरे बच्चा कैसे हो गया? डॉक्टर ने कहा सुन रहे भाई, मैंने नसबंदी तेरी करी थी, पूरे गांव की नहीं करी थी। हो जाता है कई बार ऐसा, तो ध्यान देना। छोटा रामदेवरा गुजरात के जूनागढ़ में है। एक शेखावाटी का रामदेवरा है जो कहां पर है? नवलगढ़ में है, और नवलगढ़ कहां पर है? झुंझुनू। आएगा इसके अलावा और जो रामदेवरा है उनके बारे में भी अपन जानकारी हासिल करते हैं। एक मंदिर इनका पड़ता है बिराठिया गांव में। कौन सा गांव? छोरो किताबों में आपको मिलता कि बिराठिया अजमेर में, अजमेर में नहीं, ये बिराठिया गांव कौन से में है? पाली जिले में है। एक मंदिर इनका सुरताखेड़ा में है। कहां पर है? सुरताखेड़ा में है। सुरताखेड़ा कहां पर है? चित्तौड़गढ़। छोरो हंसो मत ज्यादा। सुरताखेड़ा कहां है? चित्तौड़गढ़ में है। सुरताखेड़ा कहां है? चित्तौड़गढ़ में। हंसने वाले कौन है? नाम नोट करो इनको, एक एक चपत। आरजे सिंह, ओ तेरी सुगन, कैलाश सर टिड्डी आ गई, पकड़ ले साड़ी को, डीजे बजा। पहले बारात आती थी, अब टिड्डियां आ रही है कि नहीं है? सुरताखेड़ा कहां है? चित्तौड़गढ़ में। बिराठिया कहां है? पाली है। इस प्रकार ये राजस्थान में रामदेव जी के प्रमुख प्रमुख मंदिर हैं। रामदेव जी के बारे में आपकी और अन्य कोई भी जिज्ञासा हो तो यहां बेहिचक प्रश्न कर सकते हैं। और चलो मैं पहले बता देता हूं, कल पढ़ेंगे हम गोगाजी चौहान। क्या पढ़ेंगे? तो तैयारी करके आना, तैयारी करके आना, प्रश्न पूछना, तब आएगा मजा। गोगाजी चौहान को पढ़ डालो इंटरनेट पर, इंटरनेट पर किताब शिताब नोट्स वोट्स, और फिर विस्तार के साथ पढ़ेंगे, पूछना देंगे आप हारते हो या मैं हारता हूं। गोगाजी चौहान मित्रों, आज रामदेव जी को पढ़ा, बाबा राम साहब पीर की आप सभी पर मेहरबानी रहे, और आप सब अपने घरों में उन्नति का वह चिराग बने जो तुम्हारे मम्मी पापा और तुम्हारे प्रति सपने संजो के रखते हैं। इन्हीं आशाओं के साथ आज के लाइव सेशन को यहीं विराम देते हैं।